अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है जुम्मे का दिन, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुहर्रम का महीना है, तो अभी हम जा रहे हैं पीर नानक शाह के मज़ार दरबार के ऊपर। तो वहाँ जाते हैं, दुआ वगैरह मांगते हैं कि अल्लाह सबको ठीक करे। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। हमारा भी 6 से 7 दिन 8 दिन व्लॉग हमारा क्यों नहीं आया, उसकी वजह भी बताएंगे। तो एक हमारे घर के करीब ही है, थोड़ी 7-8 किलोमीटर दूर एक दरबार है पीर नानक शाह, वहाँ हम जाते हैं। तो वहाँ जाके थोड़ा दुआ भी पढ़ते हैं, दुआ करते हैं सबके लिए। तो आज 9 मुहर्रम भी है, थोड़ी मुहर्रम की रूटीन भी आपको दिखाएंगे। तो फिर और जो कुछ होता है आप हमारे साथ रहें। और अभी चल रहे हैं शनाज और मैं, और ये हमारा गंजू जा रहा है साथ में। ये देखें जी माशाल्लाह प्यारा व्यू, 1 ट्वेल 2 3 4 और ये 5वीं 12 और साथ में बाघ। और भाई हमारे साथ सलमान की भी तैयारी बाकी, सलमान को भी हमने कहा भाई साथ में ले लेते हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे बहुत खूबसूरत रोड की तरफ, आपको वो भी दिखाते हैं कैसा है। तो बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू है माशाल्लाह, मैंने कहा भाई आपको दिखा दें। क्योंकि हमारे बराबर में ये देखें इधर भी आम का है, आम का बाग है, इस साइड पे भी आम का ही बाग है। तो मुझे लगता है आम जो है वो शायद तोड़ चुके हैं, नज़र नहीं आ रहे, अंदर और होंगे वो तभी दिखाने करते हैं। तो अभी चलते हैं आगे दरबार की तरफ। पहले ये व्यू बहुत अच्छा था, अभी तो रोड खैर टूटे फूटे हुए हैं तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग, हाँ ये थोड़े बहुत लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं थोड़े बहुत कुछ। जहाँ भी ये आम लगे हुए थे, ये देखें जी यहाँ का व्यू माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। भाई वो सामने जो है वो दरबार शरीफ है, तो वहाँ मैंने घर वालों को उतार दिया। तो यहाँ पे भाई बांट रहे थे चावल, जो लंगर था भाई हमने भी ले लिया आपके जैसा। अभी खाते हैं चल के और सलाम भरते हैं, आपको मज़ेदार कराते हैं, तो देखते हैं। और कुछ शह वगैरह भी लेते हैं, घर वाले जो नहीं लेते पूछते हैं क्या चाहिए। लेनी है कुछ शह वगैरह, अच्छा यहाँ से भाई कुछ बांटने के लिए शह ले लेते हैं। ये पड़ी हुई है, ये दरबार का रास्ता जाता है। कितने की देर, 1 50 वाली दे दो यार हमें, 1 50 वाली। ये 50 वाली, ये है जी पीर नानक शाह। ऊपर लोग काफ़ी सलाम भर रहे हैं, हम भी चल रहे हैं भाई। गर्मी आज बहुत है, पहले बार गर्मी नहीं थी इतनी। तो यहाँ पे चप्पल उतर, ये देखो माशाल्लाह ये माशाल्लाह को थोड़े दे देते हैं भैया हम। ये पीर के मुताबिर है जो बैठ के यहाँ नाते वगैरह पढ़ते रहते हैं। चलो यहाँ से अंदर चप्पलें यहाँ उतारते हैं। ये है जी पीर नानक शाह जो दरबार है हमारे इलाके की। तो यहाँ पे जी तेल वगैरह भी रखे हुए हैं, कोई लगाना चाहे तो इसे काफ़ी अच्छा होता है, लोग आते हैं दिए भी जलाते हैं यहाँ के ऊपर। तो ये काफ़ी ऊपर बनाई गई है, यहाँ देखें जी नीचे है, वहाँ से हम आए वहाँ बाहर खड़े होके। तो यहाँ से कुछ ऐसे लगती है, यहाँ से हम ऐसे लगते हैं। तो और दिखाते हैं जो कुछ दिखा सकते हैं आपको, और दिखाएँगे। सलमान जो है शह बांध ली आपने बेटा, सलमान शह बांध ली, अच्छा हाँ सबको दे दिया ना। अरसलान क्या लेके खड़े हो, अच्छा भाई इसने देखो जी इतनी शह जो है ये जमा कर ली है। और सलमान, सलमान भी कहाँ काम रहते थे, इधर दिखाओ, इन्होंने भी देखो थैली ली हुई इन्होंने भी, सही है। और हमने तो भाई थोड़ी थोड़ी ली है खाई है, और ये ले इधर बैठे हुए ले लेके। कहाँ जा रहे हो, चलो जाओ भाई। सलाम भरने के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमने अभी सलाम भर लिया है, चनाद आपने भी सलाम भर लिया है। सलाम भरने के बाद भाई हमला हो रहा है चावलों के ऊपर, जो हमने लंगर लिया था। तो ये हम आए हैं हमारी टीम, इधर ले आओ भाई, थोड़े से क्या गुजारा होगा हमारा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आते हुए मिल तो गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। चलें ये इधर निकालें जी, ये है जी चावल लंगर के, इधर रख के चावल खाते हैं, उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं, चलो उसके बाद कहाँ जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे
जा पूछना ना खाला को, जाने उधर। चलो देखते हैं, पहले उनको फ़ोन करते हैं घर पे है जानी है। यहाँ पे भाई हम देखो गए हैं, फास्ट आगे दिखाओ। ये कोई सड़क नहीं थी आगे, पीछे सड़क थी आगे। ये देखें हमें कीचड़ में फंसना पड़ा। पीछे भी हम थोड़ा रास्ता जो ख़राब था निकल आए हैं, तो बस आगे चल रहे हैं। ये देखें ये मक्की सारी ना गिरी हुई बारिश की वजह से। तो शनाज कैसा लग रहा है आपको इधर गांव में आके, देहात में आके? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो देखो चावल धान जो उगाते हैं ना, वो सारे धान। हाँ चावल पीछे लगे हुए थे सारे भाई। ये देखें जी ये साइड पे बाग हैं, और यहाँ पे हम देखें इस समय लेके फंसे हुए हैं, फंस के निकले हुए हैं। तो ये देखें सारा आपको भाई, इधर देखें व्यू सारा चेक करें। आगे जाते हैं भाई, देखते हैं आगे वो सड़क जा तो रही है, देखते हैं आगे रास्ता निकलता या नहीं निकलता। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। तो ये जी सारा कमाद ही कमाद है जिसे हम गन्ने कहते हैं। तो मैंने सोचा भाई ये भी आपको दिखाते हुए चले। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना ही प्यारा व्यू है, और यहाँ पे रहने वाले लोग कितने खुश होते हैं। ये हमारे पुराने घर के करीब ही है सब चीज़ें ना। तो अभी चलते हैं पुराने घर की तरफ, वहाँ रिश्तेदारों की तरफ जाएँगे। अगर वो घर में हैं तो ज़रूर उनके पास जाएँगे, नहीं तो फिर भाई अपने घर तो जाएंगे। तो ये देखें जी व्यू माशाल्लाह, साथ में घर और ये कमान और ये कच्ची सड़कें। कैसा ही प्यारा व्यू नज़र आता होगा रहने वालों को। कैसी हम जहाँ पे जा रहे हैं ना, यहाँ से चल रहे हैं तो खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना माशाल्लाह, कमान की कुछ खेतों की वो बहुत प्यारी कि दिल करता है इधर ही बंदा जाए, दिल ही नहीं करता शहर बंदा जाए। बाकी मजबूरी है भाई, जाना पड़ता है। ऐसे ना अफलान मज़ा आ रहा है आज, अच्छा ना अफलान को भी मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा। जी तो भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए जी घर, क्योंकि रिश्तेदारों के घर गए थे, उनके ताले लगे हुए थे, तो फिर हम घर ही आ गए भाई। घर अभी आके पहुँचे हैं, तो शनाज जो हैं वो इस चीज़ पे लगी हुई थी खाने पे, अभी देख के रुके। बच्चों के ले आए उनको दी है। अच्छा अच्छा चलें जी, और क्या कहना चाहोगी शनाज? कहना चाहूँगी गर्मी बहुत होती, हम तो बेहोश होकर घर आ गिरे, तो बस अभी घर का करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, खाना बनाने का टाइम हो चुका है। तो कल जाएंगे 10वीं को कब्रों पे जाएंगे, कुछ पका कर मीठा मीठा कुछ लेकर फूड वगैरह, उसके बाद जो है हम जाएंगे कराची जाने की तैयारी कर लेंगे। ठीक है अच्छा, ये आपको बताना था कि हमारे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे भाई, एक तो महरम स्टार्ट हो गया था कल, और दूसरा उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे थे भाई। कराची से हम पंजाब आए हुए, पंजाब में आके 60-70-50 व्यूज़, तो कुछ दिल में ऐसे हो रहा था कि छोड़ दें। एक तो मैं ऐसे तंग हो गया था ना, शनाज को भी मैंने कहा था कि हम व्लॉगिंग छोड़ देते हैं। तो भाई अभी फिर आज हमने दिल पे थोड़ा पत्थर रख के, जैसे कहते हैं दिल पे पत्थर रख के, मैंने क्या कर दिया पता नहीं क्या कर दिया भाई, दिल पे पत्थर रख के हिम्मत कर लेके, दिल पे पत्थर रख के हमने कोई हिम्मत की, हमने कहा भाई नहीं एक व्लॉग और बनाना चाहिए, इसलिए भाई हम व्लॉग बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, यही थी वजह कि व्लॉग हमारे क्यों नहीं आ रहे थे। और आज जो व्लॉग आपको बना के दिखाया, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो हमारी आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कल किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।